मैं रेड सॉस पास्ता बना रही हूँ। इसके लिए एक कटोरी मैंने पास्ता लिया है, मैंने दोनों मिक्स करके लिया है और उसको बॉईल करें, पास्ता को बॉईल कर देंगे। एक कटोरी के लिए या तो दो छोटा छोटा टमाटर बॉईल कीजिए या एक बड़ा टमाटर बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद उसका छिलका उतार के प्यूरी बना लेंगे हम। फिर फ्राई पैन चढ़ाएँगे, उसमें रिफाइंड और बटर दोनों मिक्स करके बनाएंगे। आप खाली चाहें तो बटर में भी बना लेंगे, लेकिन उस टाइम फ्राई पैन एकदम ठंडा रहे तभी बटर डालें और फिर धीरे धीरे सौते करें। जब हमारा जब तेल गर्म हो जाए तो हम अपना चॉप किया हुआ गार्लिक डालेंगे। 3 से 4 कलियाँ गार्लिक डालें, एक कटोरी के लिए 3 से 4 कलियाँ गार्लिक डालेंगे। जब गार्लिक हल्का रोस्ट हो जाए तब हम एक बड़ा फाइन चॉप अनियन डालेंगे। एक बड़ा ऑनियन चॉप कर लेंगे फाइन चॉप। हमारा गार्लिक रोस्ट हो चुका है, उसमें हम प्याज डाल देंगे। हमारा प्याज हल्का सा लाल हो चुका है, थोड़ा प्याज और हल्का ब्राउन होगा तब हम इसमें टोमेटो प्यूरी डालेंगे। हमारा अनियन लाल हो रहा उसी में हम 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, अपने टेस्ट के अनुसार ही डालिए क्योंकि पास्ता बॉईल करने टाइम भी हम लोग नमक डालते हैं थोड़ा सा। हमारा प्याज लाल हो गया, इतना ही कंडीशन में हम टमाटो प्यूरी डालेंगे। अब इसका पानी को, टमाटो प्यूरी का पानी को हम खत्म करेंगे भून के। हमारा टमाटर प्यूरी एकदम पक गया है, हल्का पानी रहे तभी हम डालेंगे इसमें अपना पास्ता हम डाल देंगे बॉईल किया हुआ। इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, आपको जितना तीखा खाना है उस हिसाब से तीखा डालिएगा। ऑरिगेनो डालेंगे और 2 टीस्पून टोमेटो केचप डालेंगे। हाफ टी स्पून पेपर डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। लीजिए हमारा फटाफट रेड सॉस पास्ता तैयार है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो एक बार ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अब इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। इससे पहले जो भी चीज़ आप चाहें उतना चीज़ डालें। लीजिए हमारा पास्ता तैयार है।